स्वागत गान के साथ ही आपको लिए चलते हैं पंजाब की तरफ। बीएसएफ का आज स्थापना दिवस है, 53 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 54वां दिवस रनिंग में है। अपनी छोटी छोटी परेशानियाँ ना शेयर करें, जब भी बात करते हैं एक सुलझे तरीके से बात करें, और जो देश की सेवा में हमारा प्रहरी लगा है उसको हमेशा एक प्रोत्साहित करके रखें, ताकि वो हमारे देश में जो एक अमन का मैसेज लेके सबके लिए चल रहे हैं उसमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहें। रेजिंग डे बीएसएफ का मना रहे हैं। बीएसएफ 1965 को रेज हुई थी, 1 दिसंबर 1965 में। 53 साल पूरे हो चुके हैं और बीएसएफ बड़ी मुस्तैदी से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। सीमाओं के साथ साथ नकल विरोधी अभियान में, आंतरिक सुरक्षा में, जहां भी सीमा सुरक्षा बल को लगाया जाता है बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। आज के दिन जो हमारे सीमा प्रहरी देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं, मैं आपके द्वारा उनको संदेश देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और पूरा देश उन पर नज़र है, क्योंकि हम सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तो पूरा देश सुरक्षित है। और हम आप सबको भरोसा देना चाहते हैं कि देश की सीमाएं बीएसएफ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम अपने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जो कि आती हैं, अपने बल को उन चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं, उस तरह की ट्रेनिंग देकर जिससे कि हमारा बल किसी भी चुनौती को पूरा करने में तैयार है। कश्मीर बीएसएफ को रेज ही बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में किया गया है। बीएसएफ के पास बांग्लादेश का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान के बॉर्डर में रेगिस्तान है, एफडीएल से हैं, बर्फ हैं। हमारी फोर्स पूरी तरह से इन सब चुनौतियों के लिए तैयार है। हम जिस तरह की ट्रेनिंग अपने जवानों को देते हैं ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। जो बॉर्डर हमें दिया गया है उस बॉर्डर को हम पूरी तरह अच्छी तरह उसको हम डोमिनेट करें। तो आगे आने वाले डिफेंस के लिए हमने बहुत सारे तरीके किए हुए हैं, स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग, अभी रिसेंटली एक हाइड्रेट प्रोजेक्ट जम्मू में लगाया गया है और वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट हम पूरी तरह घुसपैठ रोकने के लिए तैयार है और हमने बहुत सारे बंदोबस्त किए। बर्फबारी में चैलेंज हमारे लिए हमेशा रहता है, बर्फबारी हो या बर्फबारी ना हो, चूँकि हमारी फोर्स लगभग 53 साल पुरानी है, हर साल हमें अपने एक्सपीरियंस होते हैं और उन एक्सपीरियंसों को हम अपनी ट्रेनिंग के द्वारा कन्वर्ट करके उन समस्या को हल करते हैं। परेशानी होती है बट उस परेशानी का हल हमारे पास ट्रेनिंग के द्वारा हमने निकाला है।